रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। संभल में भीषण सड़क में बाइक सवार 5 लोगों की मौत हुई है। 3 ने मौके पर दम तोड़ा जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हुई है। ये सड़क हादसा गुन्नौर थाना इलाके में NH पर गांव कादराबाद गांव के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बुलेरो ने एक बाइक को रौंद दिया। बाइक पर एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। 2 बकरियों को बाइक पर जबरन बैठाकर ले जाया जा रहा था। इस भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 घायलों को संभल जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हम आपको बता दें कि सभी मृतक एक ही परिवार के बाबा, नाती और पुत्र आदि हैं। एक साथ 5 मौतों से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपका सौरभ सिंह है। कहाँ के ग्राम प्रधान है? कादराबाद। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है। किस किस में? मोटरसाइकिल में और बोलेरो में। अच्छा, क्या लोगों की मौत हुई है? 3 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, बाइक सवार थे या पैदल जा रहे थे? बाइक सवार थे। बाइक सवार। अच्छा, इसमें घायल कितने हैं? 3 लोग, 2 लोग घायल हैं। अच्छा, इसमें किसी मतलब जानवर की भी मौत हुई है? 2, 1 बकरी की मौत हुई है। अच्छा, 1 घायल है बकरी। 1 घायल है। कादराबाद के गांव के पास की घटना है ये? हाँ, कादराबाद के बाईपास। बोलेरो में और बाइक में हुआ था ना? बोलेरो बाइक में हुआ है। सियोसब जैसे थाना कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 मौतें हुई हैं, क्या जानकारी है? हाँ, ये 12:15 बजे करीब कादराबाद मोड पर बॉर्डर पड़ता है जरीफ नगर का, वहाँ पर एक बाइक जरीफ नगर साइड से जा रही थी और कादराबाद से बोलेरो आ रही थी, आपस में टक्कर हो गई जिसमें 3 लोग मौके पर एक्सपायर हो गए, 2 घायल हुए थे, उनको उपचार के लिए संभल भेजा गया था और संभल में उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों की? दोनों की। यानी कुल मिला के 5 मौतें हो चुकी हैं। हाँ, 5 इंजर्ड थे, 5 एक्सपायर हो गए।